So hey guys, welcome back to another new video. This is Brothers Kumar. Today we're talking about the College of SRM. So without wasting your time, let's get started. यार आपने अभी तक playlist को access नहीं किया है तो जाके access करो यार. Playlist क्या है यार? मैं playlist किस playlist की बात कर रहा हूँ? तो यार अभी आपको मेरे सामने दिख रहा है मेरा चैनल TechTube आदर्श के नाम का. आपको simply इस चैनल को खोल लेना है. खोलने के बाद आपको playlist में जाना है. प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू की एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी यार यहाँ पे. आपको उसको क्या करना है, सिंपली व्यू करना है. व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे 8 कॉलेजेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. यार ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आप इन सारे वीडियोस को देख के प्रेफर कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए वर्थ इट रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा. तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं यार, चलते हैं इनकी SRM की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम बात कर लेते हैं कॉलेज की. ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है. और हम बात करेंगे यार कि इसमें अगर आपको जाना है, एडमिशन लेना है, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको क्या फॉलो करना होता है. देन स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे होंगे, बिकॉज स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बात करना तो बनता है यार. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप भूल चुके हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, उसको जाके दबा दो, दबा के ग्रे कर दो. आप कैसे भी करो वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, बट आपको उसको ग्रे करना है. उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन का सिंबल दिख रहा होगा, उसको दबा के आपको ऑल पे सेलेक्ट कर देना है ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर. तो यार हम आ गए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यार, जो दिखती है कुछ ऐसी. और यार हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन चलते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर. तो स्क्रॉल डाउन चलेंगे इन्होंने दिखा रखा है यार इनकी NIRF रैंकिंग यहाँ पे दे रखी है कि इनकी NIRF रैंकिंग यार 32 है ऑल इंडिया में. ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है 50,000 प्लस स्टूडेंट इनके यहाँ पढ़ चुके हैं, 3200 प्लस फैकल्टी हैं इनके यहाँ. जॉब ऑफर इन्होंने दिखा रखा है ऐसा कुछ है. और अगर आप देखो यार तो इनके यहाँ 625 प्लस कंपनी इनके यहाँ पे विजिट कर चुकी है. और अगर आप देखो यार 41.6 लाख पर एनम का इनके यहाँ हाईएस्ट पैकेज है. ओके, हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ 41.6 लाख पर एनम का है. एवरेज पैकेज की कहाँ पे इन्होंने दूर दूर तक कोई बात नहीं करी है, बट मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, परेशान मत हो. प्लेसमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे. ओके, उसके बाद अगर आप देखो यार और इधर आओ तो इन्होंने यार दिखा रखा है 950 प्लस इनके यहाँ पे स्टूडेंट है इंटरनेशनल. और इन्होंने सारी चीज़ें दिखा रखी है, आप यार देख सकते हो. ओके, उसके बाद कैंपस के बारे में अगर हम बात करें यार, तो कैंपस इनके चेन्नई में है, दिल्ली NCR में है, और इनका आंध्रा में है, और हरियाणा में है, और सिक्किम में है. ओके, इतने सारे इनके कैंपसेस हैं. तो हम मेन कैंपस के बारे में यार बात कर रहे हैं, जिसका नाम है यार कट्टनकुलआथूर. ओके यार, बहुत टफ नाम होते हैं भैया, बहुत टफ नाम होते हैं ये साउथ इंडिया के. तो यार अगर प्रोनंसिएशन में यार कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, गलत हो गया हो, तो भाई यार छोड़ देना यार, कोई हेट वाले कमेंट मत करना यार. ओके, अगर कोई गलती हुई यार होगा तो सॉरी फॉर दैट. ओके, उसके बाद हम चलते हैं यार इनके एडमिशन का क्राइटेरिया यार देख लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि एडमिशन कैसे यहाँ पे होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम देख रहे होंगे. तो सिंपली यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यार बेसिकली बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बारे में, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे. और इंजीनियरिंग में भी हम बीटेक सीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली उसके बारे में ही बात करेंगे. ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आके यार सीधा एलिजिबिलिटी ही खोलेंगे और कहीं पे नहीं जाएंगे. एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो यहाँ पे आपको बीटेक में ज्वाइन करने के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए PCM में. और हम यहाँ पे यार क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी. इन्होंने यहाँ पे एक PDF जैसा कुछ दे रखा है, सॉरी PDF नहीं यार, ये एक साइड है, इन्होंने वहाँ पे उसका लिंक रखा था लगा के. ओके, उसके बाद इनके आप यहाँ देखोगे यार आप, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि बीटेक में यार अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके 10th में 60% मार्क्स आने चाहिए और 12th में 60% मार्क्स आने चाहिए और आपका PCM होना चाहिए. याद रखिएगा, PCM आपका होना ही चाहिए. ओके, उसके बाद आपको क्वालिफाई क्या करना है, SRM JEE का फॉर्म आता है इनका कॉलेज की तरफ से, या फिर SRM APET का फॉर्म इनका निकलता है कॉलेज की तरफ से, या फिर आपके 60% किस में आए होने चाहिए, IIT JEE में आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में एलिजिबल हो
एडमिशन कराने के लिए। ओके, और यार इनको यार एसआरएम जेई का यार जो एग्जाम होता है और एसआरएम जेई पेट का एग्जाम जो होता है यार, वो बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए ही होता है। आपको इसमें पास तो यार हर आदमी हो जाता है, बट आपको अच्छे मार्क्स अगर आप गेन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है। ओके, इसीलिए ये लोग यार एग्जाम कराते हैं। ओके, बाकी कोई रीजन नहीं है एग्जाम कराने का। ओके, उसके बाद अगर यार हम सिलेबस की बात करें, यार आपको सिलेबस के लिए यार आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो इस पीडीएफ का लिंक यार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना और आप देख लेना कि क्या क्या सिलेबस आता है एसआरएम जे ट्रिपल ई के एग्जाम में। ओके, उसके बाद यार अगर हम बात करें, अब चलते हैं सीधा ट्यूशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं यार, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो यार अगर आप देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर वन टाइम नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन फीस इनकी 10,000 आपको देनी पड़ती है एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एनुअल फी है वो 1 लाख और अबव 5,000 आपको यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस भी पर सेमेस्टर देनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको 15,000 एंड करियर डेवलपमेंट के लिए 20,000 भी देने पड़ते हैं। तो भाई आपसे ये बहुत ज़्यादा पैसे लेने वाले हैं, आप परेशान मत हो, आपकी जेब खाली होने वाली है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस की फ़ीस जो आती है आपकी यार 2,50,000 आपको यहाँ पे करने होते हैं पर ईयर। ओके, हम KTR जो इनका यार मेन कैंपस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यार कैंपस वाइज देखो आप फीस चेंज हो रही है, ओके, फ्लक्चुएट कर रही है कैंपस वाइज फीस। ओके, तो हम यार मेन कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज मेन कैंपस इनका बहुत पुराना है, 1985 में आई थिंक बना हुआ था ये कैंपस, तब का यार बना हुआ कैंपस है, तो बहुत अच्छा कैंपस है, सबसे बड़ा कैंपस है ये, तो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसकी फीस यार 2,50,000 है। अगर यार आप इसको कैलकुलेट करोगे यार तो आपका अराउंड 10 लाख रुपए हो जाने वाले हैं। ओके, केवल ट्यूशन फीस आपकी 10 लाख रुपए हो चुकी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यार हॉस्टल फीस के बारे में। ओके, हॉस्टल फीस के बारे में अगर बात करेंगे यार, तो हॉस्टल फीस इन्होंने दिखा रखी है कि यहाँ पे आपको AC विद अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग आपको मिलता है यहाँ पे 1,70,000। मेस फीस है यहाँ पे आपकी कितनी, 58,000, तो टोटल हो जाता है 2,28,000 रुपीज़, जो यार बहुत ज़्यादा होता है भैया। ओके, नॉन एसी की अगर यार बात करो तो 1,33,000 है सब कुछ मिला के 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग की बात करोगे 1,23,000, और नॉन एसी में ही 3 और 4 शेयरिंग के बारे में बात करोगे तो 1,02,500 रुपीज़ आपको यहाँ पे यार एसी रूम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यार गर्मी बहुत ज़्यादा होती है साउथ में, तो आपको एसी रूम ही प्रीफर करूँगा मैं लेने के लिए। ओके, तो आपके यहाँ पे यार 2,28,000 लग जाने वाले हैं एसी रूम के लिए। तो अगर यार आप कैलकुलेट करो तो 2,28,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड आई थिंक आपका आने वाला है 10 लाख अराउंड ये होने वाला है। तो आपका यार 18-20 लाख का यहाँ पे आपका जो खर्च है वो आने वाला है, इतना यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपको बीटेक करनी है एसआरएम से। ओके, ये यार यहाँ पे क्या है हॉस्टल फी का कुछ यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। ओके, अब यार हम बात कर लेते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में भी कि स्कॉलरशिप्स यहाँ पे हमको कैसे मिलती है। तो उसके लिए यार यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है यार सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है अगर आप देखो तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको इस कॉलेज के बारे में सर्च करने में। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे स्कॉलरशिप के बारे में तो एसआरएम जे ट्रिपल ई के रैंक में अगर आपके 1 से 100 के बीच में रैंक आई हुई है तो आपको यहाँ पे क्या 100% ट्यूशन फीस आपकी माफ़ हो जाती है और 100% आपकी हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्ट और मेस फी वेवियर, मतलब आपका पूरा जो बीटेक है भाई जो एकदम फ्री में होने वाला है अगर आप यहाँ पे 1 से 100 के बीच में रैंक लेके आते हो किसमें, एसआरएम जे ट्रिपल ई के एग्जाम में। ओके, जो ये कॉलेज अपना खुद का कराता है। ओके, उसके बाद अगर आप बात करो यार यहाँ पे दिखा रखा है एसआरएम जे ट्रिपल ई में अगर आप 101 से 500 के बीच में अगर आप मार्क्स लाए हुए हैं या इतनी रैंक में आप अगर आप हो तो 100% ट्यूशन फीस आपकी यहाँ पे माफ़ हो जाती है, आपको ट्यूशन लाइक हॉस्टल फीस और मेस चार्जेस आपको यहाँ पे करने होते हैं अगर आप 101 से 500 के बीच में आते हो। ओके, फेज टू के बारे में बात करें तो उसमें आपको सेम वही मिल जाता है। अगर आप बात करो CBSE मेरिट 1 में अगर आप और आपके 98% प्लस आए हुए हैं तब भी आपकी यहाँ पे 100% ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस यहाँ पे आपकी माफ़ हो जाती है। ओके, CBSE की अगर बात करें मेरिट 2 के बारे में 95% से प्लस आए हुए हैं आपके तो आपके 100% यार आपकी ट्यूशन फीस जो है वो
माफ हो जाती है, बट आपको लाइक हॉस्टल फीस और आपको ट्रांसपोर्ट फीस यहाँ पे करनी होगी. ओके उसके बाद यार अगर आपके पेरेंट्स जो हैं यार वो अगर डिफेंस में है यार तो भी आपको यहाँ पे 25% का फी वेवियर मिल जाता है. ओके यार तो यार अब बात कर लेते हैं यार इनके प्लेसमेंट के बारे में. यार तो प्लेसमेंट के लिए हमने यार प्लेसमेंट का ये पेज खोल लिया है. इन्होंने यार यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रखी हैं यार. तो हम सबसे पहले अगर हम देखें कि 469 कंपनीज इनकी जिन्होंने ऑफर किया है 5684 जॉब्स ऑफर करी है बच्चों को. ओके जो 2016 और 17 का इन्होंने दिखा रखा है कि ये सारी कंपनीज है गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन सीमेंस और हुंडई मोटर्स ये सारी कंपनीज इनके यहाँ पे आ रखी हैं 2016 और 17 का इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है. ओके उसके बाद यार अगर आप देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि सुपर ड्रीम जो कंपनी आई हुई है जिन्होंने 10 लाख का ऑफर दिया हुआ है तो वो यार कंपनी कौन कौन सी है. अमेजोन है, सिस्को है, DBS है, ये सारी कंपनीज हैं. इन्होंने दे रखा है 10 लाख पर NM का ऑफर. ओके उसके बाद यार कुछ कंपनीज है यार जिन्होंने 5 लाख का ऑफर दे रखा है यार जिनका नाम यार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो यार कुछ ऐसी कंपनीज है यहाँ पे जो इन्होंने यार 5 लाख का पैकेज दे रखा है यार. तो यहाँ पे यार कंपनी वगैरह यार आ जाती हैं यार, प्लेसमेंट वगैरह आपको मिल जाता है. तो यार 8500 प्लस इनके यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं एकेडमिक ईयर 2019 और 2020 में. यार ये यार जो इनका ग्राफ है जो स्टूडेंट के प्लेस्ड हो रहे हैं यार वो अभी कुछ सालों में यार थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है बिकॉज यार पता नहीं आई डोंट नो शायद कोविड की वजह से हुआ है बट ये ड्रॉप हुआ है यार 2-3 सालों में. ओके उसके बाद अगर आप देखोगे 625 प्लस कंपनी इनके यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं और हर साल विजिट करती हैं इतनी कंपनियां इनके यहाँ पर. उसके बाद 8409 प्लस इनके यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेसमेंट इवेंट होते हैं और 250 प्लस इनके यहाँ पे कोर कंपनीज हैं जो आती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं. अगर यार रिक्रूटर की यार बात करें यार तो इन्होंने यार दिखा रखा है यहाँ पे ये रिक्रूटर्स इनके यहाँ पे ये सारी कंपनीज आती हैं. तो आप ये पेज में देख लो यार और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. ओके उसके बाद यार अगर हम बात करें यार इनकी यार सक्सेस स्टोरीज की तो यार इनके यहाँ पे देखो आप ये बच्चे हैं यार जो अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो रखे हैं. ओके आप देख सकते हो यार यहाँ पे सब कुछ सबके नाम दिखाए हुए हैं कौन कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं वो ये भी दिखाया हुआ है यहाँ पर. ओके उसके बाद यार अगर हम यहाँ पे और कुछ भी देखें यार तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमको क्लियर हो गई हैं. ओके सुपर ड्रीम ऑफर यहाँ पे क्या क्या मिले हुए हैं कौन कौन सी कंपनी दिए हुए हैं वो यार सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी है. ओके तो यार सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. आई थिंक आपके सारे जितने भी डाउट थे यार वो सारे क्लियर हो गए होंगे यार. और अगर एवरेज पैकेज की यार बात करूँ तो 3.5 लाख इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है यार. तो यार काफ़ी कम है यार अगर आप देखो तो बिकॉज यार आपकी फीस जो है वो 18-20 लाख रुपए आपको स्पेंड करने हो रहे हैं और यार आपको जो एवरेज पैकेज मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है. आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है. तो यार ये अच्छा तरीका नहीं हुआ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का. तो आपके पास और भी ऑप्शन है लाइक थापर है और आपके पास MIT है वो ऑप्शन भी आप देख सकते हो. उनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट जैसा मैंने आपको बताया था वहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं. तो सारे वीडियोस को जाके देखो यार और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का तो जाके इसको फॉलो करो यार और आप अपने अकॉर्डिंग देखो कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा वर्थ इट रहेगा. और आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जैसे मैंने आपको बताया. तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों के साथ शेयर करो और आपको आपके लिए मैंने एक कॉलेज टूर प्रोवाइड करवाया है इस वीडियो के बाद में. तो यार इसको एंजॉय करो और देखो कॉलेज कैसा है. हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में. तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर.